चलना, चलते ही रहना, रुकना नहीं है कभी, रुकना नहीं है कभी, जीवन में चलना, चलते ही रहना, रुकन मुझे माफ कर दो सुपु, इतने सालों से जो मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, मैं उन सारी चीजों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ सुपु, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, मुझे माफ कर दो सुपु। माफ तो नहीं कर सकती, मार खा सकते हो क्या? माफ तो नहीं कर सकती, मार खा सकते हो क्या? मारो सुपु, मुझे अच्छे से मारो सुपु, मारो। आपने तो हम सबको मरवा दिया दादाजी, पेड़ों को नीचे लगाने की बजाय ऊपर लगवा रहे हो। तुम्हें क्या पता है बेटा, ये ऐसे पौधे हैं जो ऊपर रखने से ही अच्छी तरह से बढ़ते हैं। अब तुम्हें कुछ पता तो है नहीं। गुड मॉर्निंग रा। गुड मॉर्निंग बेटा। रा, एक बहुत जरूरी बात, तुम, मैं और गोम्स 3 दिन के लिए एक जरूरी ट्रिप पर जाने वाले हैं। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन के लिए। रा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अंकल को कन्विंस करूंगी। रा, पहले तुम तो हाँ कहो। अंकल नहीं छोड़ेंगे बेटा, मेरी जिंदगी सजाए काला पानी की तरह है, तुम समझ नहीं पाओगी। रा, यू नीड अ ब्रेक, कम ऑन। जैसी गोमू वैसी उसकी बहू। रा, रा, एनी हेल्प? एनी हेल्प? एक बाइक मिल सकती है? के लिए बनवाया था, ये बना है 1653 में, इसमें खर्चा हुआ है करीबन 32,000 करोड़ और इसे बनाने के लिए कम से कम 20,000 मजदूर लग गए थे और कहा जाता है कि सारे मजदूरों के हाथ भी काट दिए गए थे। ये सब तो विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा, कुछ नया है तो बताओ। मैं कुछ बताऊं? हाँ, गुस्सा मत हो ना। बताइए। 38 साल की उम्र में 14 बच्चों की माँ बनी मुमताज के बारे में है ये। इसे बनाकर उसके पति ने बहुत बड़ा एहसान किया, क्यों है ना? हेलो, हे मालिनी, हाय। जब हम शूट पे कब तक जा सकते हैं? दरअसल मैं इन लोगों के साथ एक ट्रिप प्लान कर रही हूँ। एक काम करते हैं, 1 नवंबर से अपना शूट प्लान करते हैं। वो सब तो ठीक है, और उन लव बर्ड्स का क्या हुआ? हाँ, वो दोनों तो अच्छे से सेटल हो गए, हमारे रूप सिंह ने उन्हें अच्छे काम धंधे पे लगा दिया है। ए, चल अब चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। I'll see you on 30th, okay? पता नहीं मेरी ट्यूशन के बच्चे कैसे होंगे, उनके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं। Come, Gomes, let's go home. क्या चाहिए? ए, ये क्या कर रही हो तुम? चुप रहो। रा, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन ट्रिप के लिए आप और मैं गोम्स के साथ छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। अरे ए, हम मुंबई वापस नहीं जा रहे हैं क्या? बच्चों की ट्यूशन। ओ, 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 ओ। रा, अब आप अंकल से परमिशन लोगे या फिर मैं लूं? नहीं होगा प्रभा, और ऐसे माहौल में वो बहुत मुश्किल है बेटा। क्यों? अब क्या हुआ? क्या हुआ? पार्टी की सीट मिल गई, माय इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। अरे उतारो। जीत हमारी ही होगी। अरे अरे, बजा बजा जोर से।
अरे अरे प्रणाम, बस बस बस, अरे अरे जीती रहो जीती रहो। हे वार्ड काउंसलर, तू तो सच में बड़े हुए। क्यों नहीं, सबके कामों को आगे बढ़ाने के लिए मेरा कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी हो, एक वार्ड काउंसलर की शान ही कुछ और। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर बैठकर सिर्फ साइन करना है, बाकी काम ये मर्द संभाल लेंगे। वार्ड काउंसलर, तुम अब क्या करने वाली हो? करना क्या है मतलब, वही सारे काम, घर की सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, बस यही वार्ड काउंसलर। हमारे देश में ना जाने कितनी लेडीज वार्ड काउंसलर बनके आगे बढ़ चुकी हैं, नाम कमा चुकी हैं, लोगों की भलाई के लिए पैसे खर्च करती हैं। वो सब छोड़िए, इलेक्शन कब है? यही वो अगले महीने की 15 तारीख को। फिर तो हमें कल ही निकलना होगा, 3 दिन में वापस आ जाएंगे। अपनी बकवास बंद करो और सो जाओ। ए, हमें बहुत काम है और जाने की तैयारी भी करनी है, जाओ जाकर सो जाओ। हे, एक मिनट रुको। ए, अब क्या हुआ? गोम्स, बेटा आने का मेरा भी मन करता है लेकिन आ नहीं सकती। ये बिना करती रहती है, कल बहुत से काम है, जाओ जाकर सो जाओ। ए, इस वक्त किससे बात कर रही है? हेलो, मैं गोमू आंटी की बहू बोल रही हूँ। फंस गए, एक मिनट रुकिए। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? कौन है ये आधी रात को? ये प्रभा, तुम क्या कर रही हो? कौन है पहले बताओ तो, फोन पर बात तो करो। ए, मैं सुब्बू बोल रही हूँ। सुब्बू बोल रही हूँ, रानी गोमू। सुब्बू, सुब्बू, सुब्बू है ये। सुब्बू, हमारी सुब्बू होशियार हो गई है, हमें सपने पूरे करने हैं। उसके बड़े बड़े से सपने कभी पूरे नहीं हुए, सपने पूरे करने हैं। मदद कर सकते हैं, मदद कर सकती है, ऑर्डर की वजह से हुआ। कैसे हो तुम सब? ए गोमू, यहाँ देखो रानी। गोमू, गोमू, सुब्बू। उसे कितना आराम मिलेगा। नहीं, गोमू को परेशान कर रहा है प्रोफेसर, चलो जल्दी। किताब को फाड़ना सही बात है क्या? वार्डन को बताऊं क्या तुम्हारी करामात? हे गोमू, चल हमारे साथ, बड़ा आया वार्डन को बोलने वाला। कोई कुछ भी बोले तो चुपचाप बैठी रहेगी क्या? Hmm.